तो दोस्तों फाइनली हम घर से आ चुके हैं रोड में। अभी गाड़ी नहीं आई है, मम्मी भी आ रही है मेरे साथ। कब ये जा रही है मम्मी और अम्मा आगे से। अभी मैं यहाँ पर करती हूँ बागेश्वर पहुँच के दुकान में दोस्त का वेट। सो गाइस फाइनली आ चुकी है मेरी दोस्त, ये आ रही है इंदिरा मेरे को छोड़ने के लिए। तो दोस्तों अभी इंदिरा भी जाने लगी है, क्या करें, जाना ही पड़ेगा। मैं भी जा रही हूँ, तू भी जाएगी। ओ दिखाना बात बोल बो पता घर भात पकूं सब पकाई भात खानो भात पकूं। तो दोस्तों आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है बिस्तर से। 7 बज चुके हैं, अभी मैं बिस्तर में ही हूँ, तो बिस्तर से ब्लॉगिंग कर रही हूँ मैं। तो आज लास्ट दिन मायके में हूँ, तो 7 बजे तक सोई हूँ। कल से तो जल्दी उठना पड़ेगा ससुराल में, तो आज मैं जा रही हूँ अपने ससुराल क्योंकि मेरी सासू जी की तबीयत ख़राब हो रखी है, इसीलिए मुझे जाना पड़ रहा है ससुराल। सासू जी चले गए हैं दिल्ली इलाज कराने के लिए, तो नहीं तो मैं त्यौहार तक यहीं थी, मेले तक, उत्तरायणी का मेले तक, नहीं तो मैं यहीं थी मेले तक। तो अब मुझे जाना पड़ रहा है, बाद में आऊँगी। अब कोई बात नहीं, वहाँ भी कोई नहीं है ससुराल में घर पे, तो इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। और सासू जी की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है इसीलिए। तो दोस्तों चलिए फिर आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर। तो दोस्तों आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है बिस्तर से। 7 बज चुके हैं, अभी मैं बिस्तर में ही हूँ, तो बिस्तर से ब्लॉगिंग कर रही हूँ मैं। तो आज लास्ट दिन मायके में हूँ, तो 7 बजे तक सोई हूँ। कल से तो जल्दी उठना पड़ेगा ससुराल में, तो आज मैं जा रही हूँ अपने ससुराल क्योंकि मेरी सासू जी की तबीयत ख़राब हो रखी है, इसीलिए मुझे जाना पड़ रहा है ससुराल। सासू जी चले गए हैं दिल्ली इलाज कराने के लिए, तो नहीं तो मैं त्यौहार तक यहीं थी, नहीं तो मैं यहीं थी मेले तक। तो अब मुझे जाना पड़ रहा है, बाद में आऊँगी। अब कोई बात नहीं, वहाँ भी कोई नहीं है ससुराल में घर पर, तो इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। और सासू जी की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है इसीलिए। चलिए फिर दोस्तों आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेते हैं, नए दिन से नए दिन की शुरुआत। सबसे पहले है आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है गीता राहुल लिखवाल, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल पे। हेलो हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और सेफ होंगे, मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पहाड़ गीता ब्लॉग्स पर स्वागत है। तो दोस्तों आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 7 बजे से। अभी मैं बिस्तर में ही हूँ, तो बिस्तर से ही आज मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। 7 बज चुके हैं, अभी तक मैं उठी नहीं हूँ। चलिए फिर दोस्तों अब उठती हूँ और तैयार वगैरह होती हूँ, ससुराल भी जाना है अभी, फिर गाड़ियाँ भी चले जाती हैं यहाँ से मायके से। चलिए फिर दोस्तों चलते हैं और हाथ मुँह धोते हैं, रेडी होते हैं ससुराल जाने के लिए। बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है आज, बट क्या करें, आजकल आदत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी लेट में उठने की, कभी 7 बजे कभी 8 बजे, मायके में आदत ख़राब हो जाती है सोते सोते। कोई नहीं, ससुराल जाके ठीक हो जाती है आदत, तो जैसे माहौल में जाओ वैसा हो ही जाता है काम करने का। तो चलिए फिर चलते हैं हम बाहर। चलिए फिर दोस्तों आपको दिखा देते हैं एक बार आज का मौसम, सुबह सुबह का मॉर्निंग का व्यू दिखा देती हूँ अपने मायके का। चलिए फिर चलते हैं बाहर। और वैसे भी मेरे फ़ोन में बैटरी ख़त्म होने वाली है, फिर उसके बाद चार्ज में लगाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको बाद में। आज तो यहाँ भी नहीं आ रखी है धूप, और 7 बज चुके हैं, अभी तक धूप नहीं आई है। आज मौसम ठंडा ही लग रहा है, कोहरा जैसा लग रहा है। तो दोस्तों फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ और मम्मी भी हो चुकी है रेडी। मम्मी आ रही है कपकोट, मम्मी का कुछ काम है इसीलिए। मम्मी भी हो चुकी है तैयार, मैं भी हो चुकी हूँ तैयार, अब जाने की तैयारी हो रही है। रोड में गाड़ी आती है, फिर चलते हैं हम। अभी गाड़ी नहीं आ रखी है रोड पे, तो हम वेट कर रहे हैं गाड़ी का। चलिए फिर दोस्तों टीका लगाते हैं, फिर चलते हैं रोड की ओर। तो दोस्तों फाइनली टीका भी लगा लिया है, अब चलते हैं रोड में। ये जाने लगी मम्मी मेरा बैग लेके। ये मैं निकल चुकी हूँ घर से, घर के ऊपर पहुँची। तो दोस्तों फाइनली हम घर से आ चुके हैं रोड में,
अभी गाड़ी नहीं आई है, मम्मी भी आ रही है मेरे साथ कपकोट तक। ये जा रही है मम्मी और अम्मा आगे से। फाइनली हम पहुंचने ही वाले हैं रोड पे, गाड़ी भी आ चुकी है। तो दोस्तों हम बैठ चुके हैं गाड़ी में और गाड़ी भी आ चुकी है। हेलो, चलिए फिर अब चलते हैं अपने सफर को कंटिन्यू करते हुए। सो गाइज फाइनली हम पहुंच चुके हैं कपकोट में। यहाँ तो फिर भी धूप आ रखी है, ऊपर को तो बिल्कुल धूप नहीं आ रखी है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं कपकोट में। अभी मम्मी कपकोट में ही रहेगी, काम करेगी, मैं जाऊंगी अपने ससुराल की ओर। पुल तक छोड़ने के लिए आ गई मम्मी। तो दोस्तों आ चुकी हूँ कपकोट से नीचे को और मेरी मम्मी चली गई है, मम्मी का काम कपकोट में। तो मम्मी उतर चुकी है कपकोट में, मैं आ गई हूँ नीचे को कपकोट से। चलिए फिर दोस्तों अब चलते हैं अपने सफर को कंटिन्यू करते हुए। अभी हम पहुँचे हैं ब्लॉक में, कपकोट ब्लॉक में। यहाँ पे ड्राइवर भी है, थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, उनके पैसेंजर आ रहे हैं। फाइनली मैं पहुंच गई हूँ बागेश्वर। अभी मैं यहाँ पर कर रही हूँ बागेश्वर पहुंच के एक दुकान में दोस्त का वेट। अभी तो दोस्तों मैं इंदिरा को मिलने के लिए यहाँ पे रुक रही हूँ, क्योंकि इंदिरा गई थी अपनी दीदी के वहाँ। तो आज वो वापस आ रही, दीदी को पहुँचाने गई थी कल, तो आज वापस आ रही, बोल रही थी बागेश्वर में मिलना करके। वो भी पहुँच चुकी है बागेश्वर, तो अभी आ रही ऊपर से, तभी मैं उसका वेट कर रही हूँ थोड़ी देर के लिए। सो गाइज फाइनली आ चुकी है मेरी दोस्त, ये देखिए। तो दोस्तों अब हम थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं, पेट पूजा कर लेते हैं, भूख भी लग चुकी है। घर से आते आते पेट घूमने में ही था मेरा, एक तो वैसे ही मूड ऑफ हो रखा था, मायके से आते वक्त बहुत ज़्यादा मूड ऑफ हो जाता है और बहुत ज़्यादा अजीब लगने लगता है। तो अब हम खा लेते हैं दोस्तों नाश्ता, फिर मिलते हैं आपको नाश्ता करके। ये इंदिरा ये मेरा। हम तो दोस्तों अब हम जाने लग गए हैं मेरे ससुराल की ओर। मेरे दोस्त आए मेरे को छोड़ने के लिए, ये देखिए। ए रुका। तो दोस्तों इंदिरा अभी थोड़ी देर में जाएगी, बेचारी मेरे को छोड़ने के लिए आ रही है। जहाँ पे मेरे को गाड़ी मिलती है टैक्सी स्टैंड पे, फिर जाएगी ये घर को।
बेचारी बेचारी लगी पड़ी है बैग लेके। तो दोस्तों अब चलते हैं, सामान खरीद लिया है, गाड़ी मिलती है नहीं मिलती है देखते हैं अभी ऊपर। तो दोस्तों फाइनली मैं बैठ चुकी हूँ काड़ा वाली गाड़ी में, मेरे दोस्त भी जाइए आप घर को, मेरे को मजा आई थी, बाय। तो दोस्तों अभी मेरा भी जाने लगी है, क्या करें, जाना ही पड़ेगा, मैं भी जा रही हूँ तो वो भी जाएगी, बाय बाय। सो गाइज फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ अपने घर वाले रोड पे, रोड से अब जाने लगी हूँ मैं पैदल पैदल नीचे को। तो दोस्तों चलिए फिर चलते हैं फटाफट घर को, फिर मिलते हैं आपको घर पहुंच के। अभी हो रखा है टाइम 1:40, तो दोस्तों आज मुझे वॉमिटिंग नहीं हुई बट मेरा पेट घूम रहा था, तो ठीक ही रहा सफ़र। फाइनली अब पहुंचने ही वाली हूँ थोड़ी देर में घर को। सो गाइज फाइनली मैंने कपड़े चेंज करके और बहुत सारे कपड़े बिखरे पड़े थे उनको फोल्ड कर लिया है, तो कपड़े वगैरह फोल्ड करिए। खाना तो नहीं बनाया था ससू जी ने ताईजी लोगों के वहाँ खाया, मैं तो खा के आई थी वैसे बागेश्वर से, नाश्ता वगैरह करके आई थी और उसके बाद घर आके अभी मैंने बिस्किट खा लिए हैं। तो दोस्तों अभी तो काफ़ी टाइम है, सर दर्द भी हो रही मेरी, तो बाहर का काम अभी थोड़ी देर में करूँगी, अभी तो टाइम है ही, फिर देखते हैं क्या काम करना है, अभी थोड़ी देर में करेंगे। तो अब मैंने बना दी है चाय, दे के आते हैं ससुर जी को और मैं भी पीती हूँ। तो दोस्तों चाय पानी पी के मैं आ चुकी हूँ धूप सेकने के लिए, धूप तो जा चुकी है, अब अम्मा लोग भी आई हैं धूप सेकने। चाय बनाने गई थी अभी मैं, पहले भी धूप सेकने आई थी, ससुर जी को चाय दे दिया है, अम्मा को भी, मैंने भी पी लिया है, अम्मा आ चुकी थी धूप सेकने के लिए। अब तो दोस्तों धूप जा चुकी है, चलते हैं उधर को काम करते हैं। घर भात पकूं भात तमारू बन पकौनी हो ना तेम घर पकनी भाई। तो दोस्तों अब चलते हैं घर को और क्या कहते हैं झाड़ू लगाते हैं, गोबर फेंकने चलते हैं नीचे खेत में। तो दोस्तों मैं आई हूँ गोबर फेंकने के लिए, तो घर का काम कर दिया हमने झाड़ू लगा के, गोबर ओबर निकाल के गोबर फेंकने आ चुकी हूँ खेत में। अब चलते हैं घर को, फिर करते हैं सब्जी बनाने की तैयारी। तो दोस्तों अब मैं आ चुकी हूँ अंदर और मैंने जला दी है आग, डेली की तरह गर्म पानी रख दिया है चूल्हे में और यहाँ पर देवर जी बैठे हैं और मैं काट रही हूँ सब्जी आलू और गोभी की। तो दोस्तों फाइनली मैंने सब्जी काट दी है, आग भी जला दी है, अभी तक मैं सब्जी काटती थी, अभी बनाती हूँ थोड़ी देर में सब्जी। अभी मैं आई थी भैंस को गोद में बांधने के लिए, तो मैंने बांध दी है भैंसों को गोद में, ये देखिए उतने सारे डॉग थे, ये देखिए एक ही डॉग बचा है, अब एक ही डॉग ही बचा है आजकल, ये सफ़ेद वाला, ये इसके अलावा सारे डॉग इधर उधर दे दिए, कोई ले गया तो आप एक ही बचा है, ये देखिए कितना गुद्दू गुद्दू रखा है मोटा मोटा। तो आप करते हैं सब्जी बनाने की तैयारी,
ये काट दी है मैंने सब्जी। सब्जी बन के रेडी हो चुकी है। तो दोस्तों फाइनली सब्जी बन चुकी है, अब मैं बनाने लगी हूँ रोटी। ये देखिए सब्जी बन चुकी है और चूल्हे पर बनने लग गया गर्मा गर्म गेहूँ की रोटी। आज हम मड़वे की रोटी नहीं बना रहे हैं, आज गेहूँ की बना रहे हैं। चलिए फिर बनाते हैं, फिर मिलते हैं आपको अभी बाद में। सो गाइज फाइनली खाना पीना हो चुका है, अब मैं आ चुकी हूँ खाना पीना खा के बर्तन धो धा के अपने कमरे में रेस्ट करने के लिए। चलिए फिर दोस्तों आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। आई होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप तक मेरी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। मैं गीता बिलखान, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग पर। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।